हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपनी चैनल में। तो यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है, और अभी तक हमने दिसंबर ही 2015 का क्वेश्चन पेपर किया था, लेकिन वो दूसरा प्रश्न पत्र था, ये तीसरा प्रश्न पत्र है, तीसरा क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, दिसंबर 2015 का तीसरा क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें 75 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वरावली रजाखानी गत की है? ए है आपका डा डिर डा रा डा, बी है आपका डिर डा रा डा, सी है आपका डा डिर डा रा डा, और डी है आपका डिर डा रा डा रा डिर। तो इसका सही आंसर होगा सी, डा डिर डा रा डा। ठीक है, ठीक है, यहां पे फिर से दिया गया है डा डिर डा रा डा रा डा। ये स्वरावली रजाखानी गत की है। रजाखानी गत गुलाम रजा ने ख्याल गायकी के तराना आदि के आधार पर मध्य तथा द्रुत लय की गतें बनाई। इन गतों में मिजराव के बोल निश्चित नहीं होते तथा ना ही इनको प्रारंभ करने का कोई निश्चित स्थान होता है। रजाखानी गत के द्रुत लय में गाया जाता है। आधुनिक कलाकार उन्हें मजीद खानी और रजाखानी की अपेक्षा विलंबित गत और द्रुत लय कहना अधिक उचित समझते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ही होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित को सुमिलित करें। आपके ऑप्शन है महबूब खां भिंडी बाजार घराना, खादिम हुसैन खां सह सवान घराना। सही आंसर है इसका, सॉरी, इसको सुमिलित करना है, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। ये देखिए, आपको सुमिलित करना है, आप देख सकते हैं, अच्छे से देखिए और इसको सुमिलित कीजिए। कुट मैंने दिखा दिए हैं आपको। और इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। ए का होगा सी, महबूब खां का कौन सा घराना है, तो अतरौली घराना है। बी का है 4, खादिम हुसैन खां का है आगरा घराना। सी का है 2, निसार हुसैन खां का है सह सवान घराना, और अमन अली खां का है भिंडी बाजार घराना। तो ये था इसका मिलान। चलिए आगे चलते हैं, फिर ये आपको सुमिलित करना है, मैं कुट दिखा देता हूं आपको, देखिए। सही आंसर है इसका ए ही होगा इसका, ठीक है। देखिए, मसीद खां किससे हैं, तो सितार से हैं। बी का 3 होगा। अमीर खां किससे हैं, तो सरोद से हैं अमीर खां। और दबीर खां किससे हैं, तो बीन से हैं। बंदूक खां किससे हैं, तो सारंगी से हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सही कर्म चुने, क्वेश्चन नंबर 4 है। ए है गुलाम अब्बास फयाज खान डी टी जोशी, बी है लताफत हुसैन खान निसार हुसैन खान अमीर खान, सी है गुलाम मुस्तफा खान मुस्ताक हुसैन खान रजब अली खान, डी है नथन खान राशिद खान अमीर खान।
सही है आंसर इसका ए, ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा ये, है ना, गुलाम अब्बास व्यास खां और डीटी जोशी। देखिए गुलाम अब्बास फयाज खान डीटी जोशी हैं और फयाज खान इनको और भी एक्सप्लेन अलग अलग को किया है। इनका जन्म 1886 में सिकंदराबाद आगरा में हुआ था। इनके पिता सफदर हुसैन खां थे। फयाज खां के संगीत की शिक्षा गुलाम अब्बास खां से शिक्षा सीखा। संगीत गायन में ये ख्याल ध्रुपद और ठुमरी गाते थे, ठीक है, गाया करते थे, क्या गाते थे, ख्याल ध्रुपद और ठुमरी गाया करते थे। इनको प्रसिद्ध पुरस्कार में ज्ञान रत्न पुरस्कार और अफताफे मौसकी से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1950 को हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक नहीं है। ए बुद्धे देव दास गुप्ता, अमजद अली खां, इनायत खां, उमर खां। इसका सही आंसर होगा सी, इलियास खां, ठीक है, सही आंसर है, ठीक है। इलियास खां सरोद वादक नहीं है। बुद्धे देव दास गुप्त, अमजद अली खां, उमर खां सरोद वादक है। उस्ताद अमजद अली खां, इनको इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता उस्ताद हाफिज अली खां विख्यात सरोद वादक थे। इनके पितामह ने रबाब को वर्तमान सरोद में परिणत किया है। 1970 में इनको यूनेस्को अवार्ड तथा 1971 द्वितीय एशियाई रोस्टम पुरस्कार प्राप्त किया। 1975 में भारत सरकार ने पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है, ठीक है। सही कुट को चुने, यहाँ पे कुट दिया गया है, अभिकथन है और आपका कारण है, तो आपका जो अभिकथन है वो है मारवा एक सिंधी प्रकाश राग है। कारण आ रहा है इसका मारवा में रे कोमल और ध शुद्ध है। और आपके ऑप्शन है ए आर, दोनों सही है, ए आर दोनों ही गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, आर गलत है परंतु सॉरी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर इसका ए, ठीक है, दोनों ही सही है। मारवा एक सिंधी प्रकाश राग भी है और मारवा में रे कोमल और ध शुद्ध लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मिर त्री सिंह किसके लिए प्रसिद्ध थे। रबाब वादक, सुर सिंगार वादक, रुद्र वीणा वादक थे या विचित्र वीणा वादक थे। सही आंसर है इसका सी, ये रुद्र वीणा वादक थे, ठीक है, क्या थे ये, रुद्र वीणा वादक थे। चलिए इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। रुद्र वीणा, इस वीणा को बीन भी कहा जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा टुकड़ा हुआ सिटुंग उपकरण है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में खेला जाने वाला वीणा का प्रमुख प्रकार है। इनमें लकड़ी और बांस से बने लंबे ट्यूम्बर शरीर होते हैं जो लंबाई 54 और 62 इंच के बीच होते हैं। रुद्र वीणा में 4 मुख्य तार और उचिकारी तार होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्याण ठाट से नहीं है। श्याम कल्याण, शुद्ध कल्याण, केदार या बिहाग। सही आंसर इसका डी, बिहाग, ठीक है। बिहाग कल्याण ठाट का ना होकर विलावल ठाट का राग है। बिहाग किससे है, विलावल ठाट का ही पूछा जाता है।
क्यों पूछा जाता है आपको मैं यही बता देती हूँ, क्योंकि इसमें ना तीव्र मा नहीं लगता है, विहाग में जो तीव्र मा है ना वो नहीं लगता है। वक्र में इसको प्रयोग किया जाता है और ज्यादा लगाओगे आप तो ये कल्याण ठाट का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप तीव्र मा का ज्यादा प्रयोग करोगे विहाग में तो म प म ऐसी होता है ना, तो हाँ तो ज्यादा लगाओगे तो वो हो जाएगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। जाति इसकी औड़ो संपूर्ण है, वादी ग है, संवादी नी है, इसके आरो में रेधा वर्जित है, न्यास के स्वर ग प नी गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा लोकगीत बंगाल का नहीं है? सारी गान, झुमुर झुमुर गान, बिहू जारी गान। सही आंसर है इसका सी, बिहू, ठीक है। बिहू बंगाल का नहीं, यह असम का लोकगीत है, ठीक है। कहाँ का है? असम का। मैंने ना ये लोक नृत्य के ऊपर एक अलग ही से वीडियो करवाई थी और उसकी एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग आया था, हाँ, उसमें सारे राज्यों को दिया गया था, मतलब कि लोक नृत्य सबका दिया गया था, नृत्य और गायन दोनों दिया गया था, मतलब कि वहां के त्योहार जो है जो उसके बारे में और नृत्यों के बारे में उसकी कटिंग, फिर मैंने उसको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था और उस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप देखना, बहुत अच्छी वीडियो है वो और बहुत अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया गया है, सभी का है तो काफी अच्छा है। अब देखिए ये जो है बिहू कहाँ का है, तो वो असम का है, ठीक है, लोकगीत है असम का। बंगाल का लोकगीत कौन सा है? गंभीरा कीर्तन, मरसिया सारी गान, झूमूर गान, जारी गान, बाउल आदि। असम का कौन कौन सा है? बिहू, नागा नृत्य, नट पूजा, झुमुरा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे झुमुरा है, यहाँ पे झुमुर है, देखिए बंगाल में झुमुर और झुमुरा, असम में झुमुरा, हाँ। और बिहुआ महारास क्या है, चौगंबी कली गोपाल बोई साजू आदि, ठीक है, ये सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संगीत में विचित्र वीणा वाद्य की शुरुआत किसने किया? अब्दुल अजीज खां, अब्दुल करीम खां, जफर खां या उमराव खां। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, अब्दुल अजीज खान। भारतीय संगीत में विचित्र वीणा वाद्य की शुरुआत अब्दुल अजीज खान ने किया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय संगीत में विचित्र वीणा वाद्य की शुरुआत किसने की? तो अब्दुल अजीज खान ने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनायत खान के शिष्य कौन थे? राधिका मोहन मैत्र, रविशंकर, विमल मुखर्जी, वीरेंद्र किशोर राय चौधरी। सही आंसर होगा इसका डी, वीरेंद्र किशोर राय चौधरी। इनायत खां के शिष्य वीरेंद्र किशोर राय चौधरी थे। इनायत खां सूफी पंथ के विख्यात गायक वे वीणा वादक थे। इनायत खां पठान 82 में इनका जन्म हुआ, 1927 में इनकी मृत्यु हो गई, जन्म इनका बड़ौदा में हुआ था। इनके पिता रहमत खां और बाबा इनके प्रोफेसर मौला बख्श भी ख्यात संगीतज्ञ थे। इनायत खां उत्तर व दक्षिण दोनों ही शैली में पारंगत थे। वे एक उत्तम कवि वे संगीत शास्त्री भी थे, ठीक है। तो इनायत खां के शिष्य कौन थे? तो वीरेंद्र किशोर राय चौधरी थे। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी प्रज्ञानंद द्वारा लिखी गई है? ए द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, बी द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, देखिए ए है द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, हाँ, और बी है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है, सी है म्यूजिक ऑफ इंडियन, और डी है यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। इनके बारे में पूछा जा रहा है, स्वामी प्रज्ञानंद के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा बी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक लिखा है इन्होंने, ठीक है। देखिए स्वामी प्रज्ञानंद द्वारा लिखित पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक है, ओ गोस्वामी द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक है, सर सौरेंद्र मोहन ठाकुर यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक है, द म्यूजिक ऑफ इंडियन ओ गोस्वामी के बारे में ओ गोस्वामी ने लिखा है। तो ये दोनों जो है ना, म्यूजिक ऑफ इंडियन और द स्टोरी ऑफ इंडियन, ये दोनों किसने लिखा है? तो ओ गोस्वामी ने लिखा है, याद रखना, इनके बारे में भी पूछा जाता है काफी। क्वेश्चन नंबर 13 है, राग तरंगनी में राग के वर्गीकरण के संबंध में कितने मेल हैं, 18, 20, 16 या 12? सही आंसर है इसका डी 12, ठीक है। देखिए क्या दिया है, राग तरंगनी में राग वर्गीकरण के संबंध में कितने मेल हैं, है ना, तो 12 है। राग तरंगनी में राग के वर्गीकरण के 12 मेल हैं। राग तरंगनी 15वीं शताब्दी की रचना है, लोचन कवि ने सभी जन्य रागों को 12 जनक ठाटों में विभाजित किया है। इन्होंने 12 ठाट भैरवी, तोड़ी, गौड़ी, केदार, इमन, सारंग, मेघ, धनाश्री, पूर्वी मुखारी, दीपक वे कर्नाट तथा 12 ठाटों से 75 राग इन्होंने बताए हैं, ठीक है। 75 रागों के बारे में भी इन्होंने बोला है, ठीक है, 75 राग इन्होंने बताए हैं, ठीक है, 75 राग बताए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, चतुरस्त्र जाति त्रिपुट तथा किसके समकक्ष है, रूपक, तीन ताल, कहरवा या चौताल? सही आंसर है इसका सी, ठीक है। चतुर्त्र जाति त्रिपुट ताल कहरवा ताल समकक्ष है, त्रिपुट ताल 8 मात्रा की ताल है, ताल चिन्ह इसका 100 है, ऐसे 100 आप याद रखना, 100 नहीं है ये, ऐसे करके इसका चिन्ह है ये। कहरवा ताल में 8 मात्रा की ताले हैं, दो विभाग होते हैं, एक मात्रा पर ताली तथा पांचवी मात्रा पर खाली होती है। इस ताल में पेशकार, कायदा, टुकड़ा, परन आदि बजाया जाता है, और इसके जो बोल हैं धागे नती नगदीना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सुमिलित नहीं है, पूरिया सोहनी, देश, तिलक कामोद, मारवा बरवा, केदार कामोद? सही आंसर है इसका सी, मारवा और बरवा, ठीक है। मारवा और बरवा राग सुमिलित नहीं है। मारवा ठाट, मारवा ठाट का राग है, जाति इसकी साढ़व साढ़व, वादी रे है, संवादी ध है, दोनों ही कोमल है। न्यास के स्वर रे ध है, ये भी दोनों कोमल है,
इसके आरो में प स्वर वर्जित है, आरो में प वर्जित है, ठीक है। गायन समय दिन का अंतिम प्रहर है, गायन समय है वो दिन का अंतिम प्रहर है। संप्रकृतिक जो राग है वो पूरिया और सोनी है। इसके संप्रकृतिक राग कौन कौन से है, मारवा के, पूरिया और सोनी। बरवा के बारे में आप सुन लो, काफी ठाट का राग है, जाति इसकी साड़प संपूर्ण है, वादी रे है, संवादी प है, दिन का दूसरा प्रहर है, समय इसका दिन का दूसरा प्रहर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन कुआड लय का लयकारी है। ए 7/4, बी 5/4, सी 4/5 और डी 3/2। मैंने आड़ कुआड़ पे एक वीडियो बना रखी है, अच्छे से समझा के उसमें निकालना मैंने सिखाया है किसको क्या कहते हैं, वो वीडियो अभी आप जाके चैनल पे जरूर देखें अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो। इसका सही आंसर होगा बी 5/4 कुआड होगा। कुआड की लयकारी 5/4 है, यह सवा गुण एक सही 1/4 की लय को कुआड़ी लय कहा जाता है। देखो कुआड़ और कुआड़ी एक ही बात हो गई, ठीक है। इसमें हर मात्रा में 5-5 मात्राएं ली जाती हैं, अर्थात कुआड़ लय में 4 मात्राओं में 5 मात्राएं ली जाती है। 4 मात्राओं में क्या ली जाती है, 5 मात्रा ली जाती है। हमेशा मात्राएं पीछे से लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राग कल्याण का प्रकाश नहीं है। यमन कल्याण, गौरव कल्याण, श्याम कल्याण, शुद्ध कल्याण। सही आंसर है इसका बी गौरव कल्याण, ठीक है। गौरखा कल्याण या गौ है ना, गौरखा, यहां पे देखो गौरख है, यहां पे गौरखा है, एक ही बात है। गौरखा कल्याण कल्याण ठाट का राग नहीं है, तो किसका है, खमास ठाट का है। और जाति इसकी क्या है, साड़ो साड़ब है, वादी म है, संवादी सा है। गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इस राग का कल्याण ठाट से कोई भी संबंध नहीं है क्योंकि ये खमास ठाट का है। क्वेश्चन नंबर 18, किराना घराने से संबंधित कलाकार का नाम है। सुरेश बाबू माने, भातखंडे, दिलीप चंद्रवेदी, कृष्ण राव शंकर पंडित। इसका जो सही आंसर है वो है ए सुरेश बाबू माने। किराना घराने से संबंधित है सुरेश बाबू माने, ठीक है। यहां पे लिखा भी गया है, देखिए एक्सप्लेन किया गया है कि किराना घराने से संबंधित कलाकार सुरेश बाबू माने हैं, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सप्लेन किया गया है, किराना घराना अब्दुल करीम खां और वहीद खां इस घराने के सबसे प्रसिद्ध गायक हुए, ठीक है। कौन है किराने घराने के सबसे फेमस गायक, तो अब्दुल करीम खां और वहीद खां सबसे प्रसिद्ध हैं गायक। इसी परंपरा में रोशन आरा बेगम, हीराबाई बडोदकर, गंगूबाई हंगल प्रसिद्ध गायिकाएं भी हैं। वर्तमान में भारत रत्न 2008 में भीमसेन जोशी भी इसी घराने से हैं, ठीक है। और किराने घराने से ही भीमसेन जोशी हैं और 2008 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अब एक तो अभी कथन ए है, सुर सिंगार वादी यंत्र की शुरुआत जफर खां द्वारा की गई थी और कारण आ रहे इसका, जफर खां रबाब बजाना नहीं जानते थे। ऑप्शन दिया गया है आपका ए आर दोनों ही सही है, ए आर दोनों ही गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अभी कथन सही परंतु कारण गलत है। ठीक है, देखिए ए सही है, सुर सिंगार वाद्य यंत्र की सुरात जफर खाने की। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, जफर खान रवा बजाना नहीं जानते हैं, ये गलत है। ठीक है, कारण इसका गलत है। देखिए सही कुट चुने, अभिकथन ए है, उस्ताद मुश्ताक अली खां जयपुर सेनिया घराने से हैं, और आर इसका जो कारण है वो उस्ताद मुश्ताक अली खां जयपुर घराने से हैं, आपको बताना है, बताइए। सही आंसर होगा इसका सी। ठीक है, अभी कथन तो सही है इसका, उस्ताद मुश्ताक अली खान जयपुर घराने की सेनिया घराने से है। ठीक है, जयपुर सेनिया घराने से है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन उस्ताद मुश्ताक अली खान जयपुर में रहते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न, मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा है, तो ऐसे ही करके एक एक करके ये वीडियो होगी, और इसकी भी तीन से चार चार इसकी वीडियो क्लास होगी इस क्वेश्चन पेपर की, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो दो दिन में ये क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डेली मैं दो दो वीडियोस ला रहा हूं आप सभी के लिए, क्योंकि पेपर नजदीक है, बहुत जल्दी मतलब 12-15 दिन के अंदर पेपर आपके होने वाले हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। आप अच्छे से करिए, सारी वीडियोस को 2 से 3 बार देखिए, ताकि आप कंठस्थ हो जाए सारी चीजें आपको, और इससे चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी भी हेल्प हो रही है तो औरों की भी हो। हाँ, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, आपको वहां से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। वहां पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी जॉब आने वाली होती है, किसी के पीडीएफ होती है, तो मैं वहां पे अलग अलग ऐप के बारे में चीजें इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ, जिससे आपकी हेल्प होती है। ऐपों के बारे में मैंने बहुत सारा बता रखा है, तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपकी काफी हेल्प। बाकी कैसे पुस्तकें कैसे डाउनलोड की जाती है, बुक्स को कैसे डाउनलोड करें, वो सारी चीजें मैंने डाल रखा है, वो आप चैनल पे जाके विजिट कीजिए, वहां पे अच्छे से देखिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।